बच्चे दोनों सेम ही हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसे हैं आप बच्चे सब? सेम है? बच्चे बेशक सेम होंगे लेकिन कोर्स डिफरेंट है। वालेकुम आपने सलाम सर सर। मेरे को बोला था कि इस कोर्स को आप एक वालेकुम महीने तक सलाम कर सकते हैं, अलहमदुलिल्लाह। तो ये वालेकुम बताओ सलाम सर। साहब थोड़ी सी ना कलरफुल बच्चों को प्लान थोड़ा सा। जी अहमद दिल शाद, यस सर। डायरेक्टर साहब ने मुझे मुझसे बताएं हमने लास्ट कहा लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सर, हमने पढ़ा था अबाउट आइसोटॉप्स एंड एटम्स अच्छा, कौन कौन सी तीन फॉर्म्स होती हैं रेडियोएक्टिविटी सर, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। की? ओके ठीक है। हिना खालिद, यस सर। अल्फा डिके जो होता है उसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेटेज किस एलिमेंट के बराबर होता है? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं प्रेजेंट थी क्योंकि मेरा नेट का इशू था। तो बेटे लेक्चर तो आपको पहुंच गया था ना, पढ़ तो सकते थे आप, रिकॉर्डिंग भी पहुंच गई थी, वो भी सुन सकते थे आई थिंक सो। और लास्ट सैटरडे को लेक्चर हुआ था, उसके बाद मंडे ट्यूसडे 2 दिन थे, संडे भी था, बल्कि 3 दिन थे। लेम एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है अगर आपने खुद नहीं पढ़ा तो। सर आप अगेन क्वेश्चन पूछिए, मैं रिप्लाई करती हूँ। मलिया मरियम, मलिया मरियम, मोमिना, यस सर। बीटा डिके कितनी टाइप्स का होता है? सर नहीं पता। वेरी गुड। जिस जिसको आंसर नहीं आ रहा सबके आज एब्सेंट लगेगी। सर एक सीरियल के पांच रहमा सुहेल, कैरेक्टर इन सबके मिला रहे कैरेक्टर भी पांच सर, कैरेक्टर भी मिला के 5 घंटे रहमा काउंसलिंग सुहेल। आर्ट्स बात करें सर, काउंसलिंग आर्ट्स को आपने ग्रीन कलर देना और ग्रीन कलर लेके 5 घंटे आप जमा कर सी देता है पूरे 5 6 वीक्स। तो ये क्या है फिर? ये तो है सर, आप ऊपर कोर्स नंबर लिखना हूँ। कोर्स नंबर क्या है? कोर्स नंबर 417 और फोर आप क्या बता रहे हैं कोर्स नंबर? रहमा सुहेल और मलिहा मरियम एब्सेंट है, बात यहाँ मुझे ना कहीं कि सर हमारा डिस्कनेक्ट था जो भी था। बोले मुझे तो आवाज नहीं आई सर, मैंने कहा है, मैंने अभी कहा है कि यस सर। जी मलिहा आप बता दें कि बीटा डी के कितने टाइप्स होती हैं? अच्छा, फिर मैंने ये मेंशन करने के बाद फिर कौन सी यार सेपरेट मेंशन कर। हां अब यहां पे लेट्स सपोज कि एक आपका सेकंड स्लॉट के अंदर, मैं निगाह से पूछ रहा हूं कुछ यहां पे एस जॉब में मेंशन किया जा रहा है, जस्ट बी रूम नंबर आ रहा है। हां जी हां, वो यहां पे सारा कुछ मेंशन करेंगे, एक सेकंड स्लॉट कर दो सर। नहीं आता जस्ट सब में यहां मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर जरा लकी कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट सब्जेक्ट राफे। एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बायस में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो पांच फिफ्थ स्लॉट पे आ जाता है। फिफ्थ स्लॉट पे कौन सा है, कौन से दिन है? उसी दिन मंडे वाले, दोनों मंडे वाले। यस सर, राफे यस सर। टाइप्स कुछ भी नहीं आते। ओके एब्सेंट। थर्सडे को भी, थर्सडे को प्रैक्टिस के बाद फिर थर्सडे, थर्सडे को 3 लेक्चर्स हैं। असल में ना आई थिंक मैं गलती करूंगा, आप लोगों को थोड़ा ना लीनियंट होकर पढ़ा रहा हूं ना। आप लोगों ने बहुत ही लाइट ले दी है भाई जी, क्या नाम है, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, चिल्लो के ठीक है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है ना, तो तुम लोग सर पे चढ़ रहे हो। तो नहीं सर, एक ना भी नहीं, लेकिन यहां पे अपना अच्छा तो करते हैं।
उसका भी डेली मेंशन किया, कुछ नहीं है सर मस्जिद आप माहिम यस सर बीटा डीके की टाइप्स सर बीटा डीके टू टाइप्स की होती है एक पॉजिटिव बीटा डीके एंड नेगेटिव बीटा डीके पॉजिटिव बीटा डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है इनटू न्यूट्रॉन और उसके बाद पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज होता है और नेगेटिव बीटा डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है न्यूट्रिनो रिलीज होता है ठीक है जी ये आसमान से उतरी है जो उन्होंने पढ़ लिया और बाकी तुम सब लोगों को कहना में इतना जहमत करने का हुआ ही नहीं कि हम लोग भी लेक्चर को देख लें खोल के बोलो सबसे पूछ रहा हूँ तीन दिन थोड़े होते हैं एक 20 से 25 स्लाइड के लेक्चर पढ़ने के लिए नादिर हुसैन जी अस्सलाम वालेकुम सर मुझे बताएं गैमाटिका कितनी गैमाटिका के अंदर कौन से दो प्रोसेस चल रहे होते हैं सर एक होता है इंटरनल पेयर प्रोडक्शन और दूसरा सर कुछ वो आप बता रहे थे लिख नहीं सकते नोट्स में लिखा हुआ था तो याद था मेरी बात सुनो ये जो लेम एक्सक्यूज है ना लिख नहीं सका दिस एंड दैट लेक्चर की रिकॉर्डिंग जब तक मिल रही है आपको लेक्चर मिल रहा है तो फिर पीछे क्या रहा था कि मैंने लिखा नहीं ये नहीं किया वो नहीं किया ये किस किस्म का एक्सक्यूज है सबके सबने एक बार सोच के बता देना कि किस वे में पढ़ना है अगर तो टिपिकल वे में पढ़ना तो बता दो उसी तरह पढ़ा देता हूँ बोलो सबसे पूछ रहा हूँ क्यों लेता है कूप बताए आप कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ग्रामेटिका के अंदर सर मैं बता दूं जिससे पूछ रहा हूँ वही बता दे तो काफी है अल्लाह नवाज अल्लाह नवाज कल किसी है कल सर कल तेरा किसी है अल्लाह नवाज यस सर यस बेटा कितनी 10 दफा बुलाऊं आपको आराम नहीं हो रहा आपको पता है पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे के अंदर वेरी गुड नाइस जिस जिसने पढ़ा वो हैंड रेज कर दे बाकी सबकी एब्सेंट लगनी है एक एक करके पूछूंगा तो टाइम गुजर जाएगा शहीद यस सर आप मुझे बताएं कि इंटरनल पेयर प्रोडक्शन क्या होती है सर ये जो इंटरनल पेयर प्रोडक्शन होती है इसमें जो एक्सेस एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में गुड ठीक है आज लास्ट वार्निंग है जो नहीं पढ़ के आए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सेंट ठीक है और क्लास पार्टिसिपेशन तो वैसे ही क्या नाम है 10 नंबर है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिडक्ट होते जाएंगे ठीक है मेक इट क्लियर टू योरसेल्फ समझ आ गई है सबको
जी सर। और मुझे कोई एक्सक्यूज ना दे, मैंने लिखा नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। विद इन 10 मिनट्स आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और लेक्चर भी मिल जाता है। तो ये एक्सक्यूज कोई भी ना दे मुझे। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जो वो कहता है द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी और सिंपली द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियो न्यूक्लाई। ठीक है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस के कितने डिसइंटीग्रेशन, मतलब कितने एटम्स एक टाइम पे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड के टूट रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ दैट रेडियो न्यूक्लियाइड। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? RT इक्वल टू माइनस डी एन टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी एन टी का मतलब है कि द चेंजिंग नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड एटम्स, और डी टी का मतलब है द चेंजिंग टाइम। ठीक है, कितने टाइम में कितने रेडियो न्यूक्लियाइड डिके कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ 1000 एटम्स ऑफ ए रेडियो न्यूक्लियाइड एट ए गिवन टाइम, 50 of these disintegrate in the next 5 seconds. ठीक है, 1000 एटम है, उसमें से 50 जो है 5 सेकंड में डिके कर रहे हैं। तो द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल विल बी 50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10 disintegrations पर सेकंड। ठीक है, 50 disintegrate कर रहे हैं 5 सेकंड में, तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंगली 10 integrations होंगी 1 सेकंड में। इज इट क्लियर सर? दोबारा रिपीट करते हैं इसका जरा। अगर हमारे पास 1000 एटम्स हैं रेडियो न्यूक्लियाइड के, ठीक है, उसमें से 50 डिके करते हैं 5 सेकंड में। ठीक है, तो 50 हमारे पास क्या आ गया? DNT। ठीक है, द चेंजिंग नंबर, द डिसइंटीग्रेटिंग नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड एटम्स। ठीक है, और 5 सेकंड क्या आ गया हमारे पास? द टाइम पीरियड जिसमें वो डिके कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, समझ आ गई अब? ओके, यस सर। उसके बाद वो क्या कहता है? द रेडियो एक्टिविटी इज measured in becquerels in system international। अगर आप system international का unit use करोगे तो उसके लिए हम radioactivity के लिए becquerel का unit use करेंगे, और अगर आप older system of units use करोगे तो हम curie का unit use करेंगे। A becquerel is defined as a radioactivity of a sample that is disintegrating at a rate of 1 disintegration per second। ठीक है, becquerel को अगर हम define करेंगे, becquerel हम कैसे define कर सकते हैं? वो कहता है कि अगर किसी रेडियो न्यूक्लियर सैंपल की डिसइंटीग्रेशन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी क्या नाम है, 1 बैकरल इसका ये, यानी क्या बनेगा। ठीक है, दिस रेडियो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट्स एट 1 बैकरल। ओके, इसी तरह वेयर एज अ क्यूरी इज डिफाइंड एज अ रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल दैट इज डिसइंटीग्रेटिंग एट अ रेट ऑफ 3.7 × 10⁻¹⁰ कहीं इसकी पावर किधर गई है? हाँ, 3.7 × 10 डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि जो बैकरेल है वो एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, और क्यूरी जो है वो एक छोटा यूनिट है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? यस सर, यस सर। इन न्यूक्लियर मेडिसिन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मेगा बैकरेल मेरी क्यूरी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इज कॉल्ड डोजेज नॉट डोज। To avoid the confusion with another term, radiation dose, ठीक है? जब आप न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आप अपने रेडियो फार्मास्यूटिकल को एडमिनिस्टर करने के लिए अगर आप करते हैं कि जी हमने इसको क्या नाम है इतना लगाना है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं कि हमने इतनी डोजेज देनी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये भी देख रहे होते हैं कि रेडिएशन की डोज पेशेंट को कितनी मिल रही है। ठीक है, तो उस चीज को कन्फ्यूज ना करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल के लिए डोजेज का वर्ड यूज करते हैं, और रेडिएशन के मेजरमेंट्स के लिए कि रेडिएशन कितनी पेशेंट को मिल रही है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेडिएशन डोज। इज इट क्लियर? यस सर। ये वही वाली क्या नाम है जो पिछले लेक्चर में एक डायग्राम थी, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल सबसे कम पेनिट्रेटिंग होते हैं, बीटा सबसे ज्यादा होते हैं, और गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लॉ ऑफ डिके। व्हेन अ सैंपल ऑफ रेडियो न्यूक्लियस is observed for a long period of time, it is found that the radioactivity of sample at a given time t depends on the number of radioactive atoms present at that time and a constant that is characteristic of a given radionuclide and is different for different radionuclides. Ab wo kya kehta hai ki agar ek sample hai radionuclide ka, for example aapka ek uranium ka sample pada hua hai, theek hai, to uski radioactivity kis cheez pe depend kar rahi hogi ki uske paas kitne radioactive atoms maujood hain, theek hai, ek time ke upar,
और उसका क्या रेट है डिके करने का, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड रेट है, या फिर उसका रेट क्या नाम है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या रेट है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, डिके कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं लेमडा से, ठीक है। किससे शो करते हैं, मलाइका लेमडा क्या होता है सर, लेमडा से शो करते हैं। लेमडा होता क्या है, इसका नाम क्या होता है लेमडा का सर, ये वेवलेंथ होती है। अल्लाह माफी दे, ये नहीं, ये डीन वाली नहीं है। माहीन मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, डिके कांस्टेंट, वेरी गुड। अगर जाग रही हो ना तो फिर पता लग जाता, सामने स्लाइड से बंदा पढ़ के बता देता है। उठ जाओ, जाके मुंह हाथ धोओ मलाइका, रूठी हुई हो, स्लाइड से पढ़ के बता दो, इतना बड़ा बड़ा लिखा था कांस्टेंट लैम्डा आल्सो नोन एज अ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट है, एक स्पेसिफाइड रेट है जिसके ऊपर हर एक स्पेसिफाइड जो रेडियो न्यूक्लाइड है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, उसका एक स्पेसिफाइड रेट है कि वो एक सेकंड के अंदर 20 डिसइंटीग्रेशंस करेगा, यानी कि उसके 20 एटम्स टूटेंगे, ठीक है। इसी तरह हर रेडियो न्यूक्लाइड का जो रेडियो एक्टिविटी एमिट करता है, ठीक है, उसका स्पेसिफाइड रेट होता है, ठीक है, कि वो इस रेट के ऊपर डिसइंटीग्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड करता है, तो वो उसका रेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर दिया है, एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम फॉर ए सिंगल रेडियो एटम, ठीक है। एक सिंगल रेडियो एटम कितने टाइम में डिके कर रहा है, ठीक है, अगर एक सेकंड में एक डिके कर रहा है तो उसकी रेडियो उसका डिके कांस्टेंट 1 होगा, अगर एक सेकंड में 10 कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिके कांस्टेंट होगा 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। देयरफॉर इफ देयर आर एंटी रेडियो एटम्स, अगर आपके पास एंटी नंबर के रेडियो एक्टिव एटम्स हैं एट अ टाइम टी, देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम विल बी सिंपली आरटी इक्वल टू डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, और उस जो भी रेडियो न्यूक्लाइड है वो यूरेनियम है, टेक्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, उसका डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स यू हैव एट द स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 10 बजे मेरे पास 50,000 रेडियोएक्टिव एटम्स थे टेक्नीशियन के, ठीक है, अब उसका डिके कांस्टेंट रेट क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका डिके कांस्टेंट रेट है 3.7 × 10⁻³, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3.7 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 50,000, ठीक है, वो मुझे बता देगा कि 10 बजे आपका क्या नाम है टेक्नीशियन का डिके रेट ये है। समझ आ गई है, नहीं सही वाला पॉइंट दोबारा बता दे, मींस हम उसके टोटल जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। जी, टोटल जितने आपके पास अवेलेबल हैं उस टाइम पे। ओके सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐड कर लें। From this equation, it can be seen that for the different radionuclides, the number of radioactive atoms that must be present to produce the same amount of radioactivity varies. ठीक है? अगर आपको, for example, 20 millicurie चाहिए, ठीक है? तो जो आपको radioactive atoms है ना, different elements के, उनकी amount same करना पड़ेगी, ठीक है? Like अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या नाम है 20 milligram uranium है और 20 milligram technetium है, तो उन दोनों के अंदर जो radioactive atoms मौजूद हैं, उनकी amount same नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि यूरेनियम से और टेक्नीशियम से मुझे सेम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी मिले सेम टाइम के ऊपर, ठीक है, तो मुझे उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं उनकी तादाद को एक जैसा करना पड़ेगा, ठीक है, उनकी जो वेटेज है वो सेम होने से रेडियो एक्टिव एटम्स की तादाद सेम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम एक बहुत बड़ा रेडियोएक्टिव सोर्स है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टेक्नीशियम, और वो उसकी हाफ लाइफ भी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में है, ठीक है, तो उसके एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू टेक्नीशियम, क्यों, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, वो जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट करके खत्म होते जाते हैं, ठीक है, तो मुझे उसकी अमाउंट, अगर मुझे यूरेनियम जितनी ही रेडियो एक्टिविटी चाहिए तो मुझे ये टेक्नीशियम की एक बहुत बड़ी अमाउंट यूज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, समझ आ गई है? यस सर, यस सर।
For example, the number of radioactive atoms present in a sample of technetium 99, which has radioactivity 1 millicurie, theek hai, 37 megabecquerel, is not same as the number of radioactive atoms present in a sample of iodine 131, which has a radioactivity. ठीक है, अगर हमारे पास वो कह रहा है कि एक मिलीक्यूरी टेक्नीशियम का हो, ठीक है, एक टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस टाइम 11:30 है तो हमारे पास 11:30 बजे एक मिलीक्यूरी टेक्नीशियम है, ठीक है, तो वो कह रहा है उसके अंदर जितने रेडियोएक्टिव एटम मौजूद होंगे उनकी तादाद आपके समय एक मिलीक्यूरी आयोडीन के अंदर जो रेडियोएक्टिव एटम मौजूद है उनसे कम होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि आयोडीन की हाफ लाइफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेक्नीशियम. ठीक है, दूसरा वो क्या पॉइंट बता रहा है, दिस इज ट्रू बिकॉज द डिके कॉन्स्टेंट ऑफ टेक्नीशियम, ठीक है, लैम्डा जो है उसकी वैल्यू क्या है, 3.2 × 10⁻⁵ पर सेकंड इज डिफरेंट फ्रॉम डिके कॉन्स्टेंट ऑफ आयोडीन दैट इज 10⁻⁶ पर सेकंड. यानी कि उसके जो टेक्नीशियम है उसके एक सेकंड में कितने एटम डिके करें, 3.2 × 10⁻⁵, और आयोडीन के कितने करें, सिर्फ 10⁻⁶, यानी कि 1 × 10⁻⁶. तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेक्नीशियम ज्यादा डिके कर रहा है एज कम्पेयर टू आयोडीन. इस बात की समझ आई है माहीन, मलाइका? यस सर. मलाइका उठ गई हो? यस सर. पूछो अगर सवाल पूछना अथर पूछो बेटे, हैंड रहे था कि अगर पूछ ये सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें, नहीं समझ आया. वो कह रहा है कि एक तो क्या नाम है उनकी हाफ लाइफ डिफरेंट है, ठीक है, टेक्नीशियम और आयोडीन की. ठीक है, दूसरा वो पॉइंट बता रहा है कि उनके जो डिके कांस्टेंट है ना, यानी कि पर सेकंड जितनी डिसइंटीग्रेशंस होनी है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है. ठीक है, फॉर अब यहां पे क्या कह रहे हैं, 3.2 × 10⁻⁵ पर सेकंड, मतलब टेक्नीशियम के 3.2 × 10⁻⁵ जो है इतने एटम्स डिके करेंगे एक सेकंड में. ठीक है, उसके कंपैरिजन में आयोडीन के कितने करें, सिर्फ 1 × 10⁻⁶. यानी कि अगर हम एक स्ट्रेट सीधी बात कर लें तो टेक्नीशियम के 3 एटम्स पर सेकंड डिके कर रहे हैं और आयोडीन का 1 एटम पर सेकंड डिके कर रहा है. ठीक है, तो डिफरेंस आ गया. क्योंकि आयोडीन की हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है इस वजह से. जी ठीक है, और उसका डिके कांस्टेंट जो है ना वो एक नेचुरली क्या नाम है मेंटेन होता है. ठीक है, हर एक रेडियोन्यूक्लाइड का जो डिके कांस्टेंट की वैल्यू है ना कि कितनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होंगी वो नेचुरली ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है नेचर की तरफ से. ठीक है, यानी कि 3.2 हमने खुद नहीं बनवाया. ठीक है, ये काउंट किया गया है, नोट किया गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, यस सर, समझ आ गई. अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है हाफ लाइफ. टी हाफ इज नोन एज अ हाफ लाइफ, दिस इज डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल फॉर अ गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, ये वो टाइम होता है जिस टाइम के दौरान जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वो हाफ रह जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 11 बजे 50 मिली क्यूरी ऑफ टेक्नीशियम मौजूद था, ठीक है, तो टेक्नीशियम की हाफ लाइफ 6 आवर्स है, तो 6 घंटों के बाद यानी कि 11, 12, 1, 2, 3, 4 मतलब 4 बजे मेरे पास टेक्नीशियम रह जाएगा 25 मिली क्यूरीज. This is called the half-life of technetium. ठीक है, जितनी देर में उसकी परसेंटेज हाफ रह गई है. 11 बजे 50 मिली क्यूरी थी, 4 बजे रह गई 40 मिली क्यूरी, अगले 6 घंटों में 10 बजे तक मेरे पास रह जाएगी 12.5 मिली क्यूरी. जो अमाउंट आपके पास मौजूद होगी उसका एग्जैक्ट हाफ. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. उसके बाद वो कहते हैं एवरेज हाफ लाइफ. Occasionally, we encounter the use of another term known as average of the half-life of a radionuclide. It is related to the half-life of radionuclide or the decay constant. ठीक है? अगर हम radionuclide की half-life और decay constant को multiply करते हैं, तो हमारे पास एक average आ जाएगी कि इसकी half-life normal ये है. ठीक है? उसका formula क्या है? T average equal to 1.44 into T half. ठीक है? जैसे 6 hours थी, तो 6 hours में नहीं आपने करनी. जैसे आप लोग FSC वगैरह में करते आए हो ना, 6 आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में. ठीक है, फिर हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है. ठीक है, यस सर. बिकॉज़ इन अ रेडियोएक्टिव डिके नॉट ऑल द रेडियोएक्टिव एटम्स डिके एट द सेम टाइम, ईच इंडिविजुअल रेडियोएक्टिव एटम्स एग्जिस्ट फॉर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब ये भी एक और भी मसला है कि अगर आपके पास 50 मिलीक्यूरी टेक्नीशियम है और उसके अंदर आपके पास 100,000 एटम्स हैं, तो वो 100,000 एटम सेम टाइम पे डिके नहीं करेंगे. हर एक एटम कुछ सेकंड ऊपर नीचे करके थोड़ा, यानी कि कोई 11:01 पर डिके कर रहा है तो कोई 11:02 पर डिके करेगा. ठीक है, तो जो भी रेडियोएक्टिव एटम मौजूद है ना
वो क्या नाम है अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंगली नेचर के अकॉर्डिंगली ठीक है डिके करेगा। ये नहीं है कि अगर 1 लाख एटम है तो 1 लाख एटम 6 घंटे बाद क्या नाम है सारे के सारे डिके कर देंगे, नहीं ठीक है। हर एटम का अपना अपना टाइम है, इसीलिए उसको हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं ठीक है। अगर सारे एटम सेम टाइम पे डिके करते होते तो रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती, ऑल दो रेडियो एक्टिविटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती दुनिया से ठीक है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ द इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच अ गिवन अमाउंट ऑफ अ ड्रग और अ बायोकेमिकल इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल आपने अपनी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया ठीक है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद ठीक है जितने टाइम में उसकी अमाउंट हाफ रह गई, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 मिलीक्यूरी किया था तो जितने टाइम बाद वो 25 मिलीक्यूरी रह गया ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ठीक है। वो कैसे 25 मिलीक्यूरी रह गया, आपके बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक सिस्टम के थ्रू वॉश आउट होके ठीक है डिफरेंट ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब होके ठीक है डिके करके और एक्सक्रीट होके ठीक है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। कोई मसला? No, sir. No, sir. Effective half-life, ठीक है? The time interval in which a radioactive substance is reduced to one half of its original value by decay and elimination, ठीक है? वो time interval जिसमें आपका जो रेडियो फार्मास्यूटिकल 50 मिलीक्यूरी आपने इंजेक्ट किया था वो हाफ रह जाए किस प्रोसेस के थ्रू, डिके यानी कि डिसइंटीग्रेशन के थ्रू और एलिमिनेशन मतलब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के थ्रू ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/T हाफ इफेक्टिव इक्वल टू 1/T हाफ बायो प्लस 1/T हाफ नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल हाफ लाइफ कितनी है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर काउंट करें टेक्नीशियम की तो उसकी क्या है नॉर्मल हाफ लाइफ 6 आवर्स, इसी तरह आयोडीन की जो भी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है उसको वो पुट कर देंगे ठीक है, और इस तरह हमारे पास इफेक्टिव हाफ लाइफ कैलकुलेट हो जाएगी। इफेक्टिव हाफ लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू और शॉर्टर देन फ्रॉम वन ऑफ द टू ठीक है। आपकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ या फिर जो नॉर्मल हाफ लाइफ है आपके रेडियो न्यूक्लाइड की, इफेक्टिव हाफ लाइफ हमेशा उनमें से किसी एक से छोटी ही आती है ठीक है। यस सर। Production of radionuclides. Henry Becquerel discovered that uranium was radioactive. Soon after, other naturally occurring radionuclides such as radium and polonium were discovered. Most naturally occurring radionuclides have long half-lives, greater than 1000 years, and are not used in nuclear medicine. अब जैसे for example अगर हम ये कहते हैं कि जी यूरेनियम की example ले लें, अगर मैं suppose करता हूँ कि यूरेनियम की half-life है 100 years, तो अगर आप 5 मिलीक्यूरी भी इंजेक्ट करोगे ना जो कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है, जिस तरह लाइक आपने देखा होगा ये जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है ठीक है, अगर उसको हाफ फिल करो ना तो ऑलमोस्ट इतना बनता है आपका 5 मिलीक्यूरीज ठीक है। तो अगर आप यूरेनियम जिसकी हाफ लाइफ 100 ईयर्स है अगर आप वो 5 मिलीक्यूरी भी इंजेक्ट करोगे ठीक है, तो 100 ईयर्स तो आपका कोई भी पेशेंट जिंदा ही नहीं रहता ठीक है। आपकी एवरेज लाइफ क्या चल रही है 50 to 65 ईयर्स ठीक है एवरेज ह्यूमन बींग की, तो वो सारी उम्र मतलब अगर आपने उसको 5 मिलीक्यूरी भी इंजेक्ट कर दिया ना तो सारी उम्र एक रेडियोएक्टिव सोर्स बना रहेगा आपका पेशेंट ठीक है। तो इसलिए हम ये जो नेचुरली अकरिंग आपके रेडियो न्यूक्लाइड्स है ना जैसे यूरेनियम प्लोनियम रेडियम ये सब नहीं यूज करते हैं, हम आर्टिफिशली प्रोड्यूस करवाते हैं ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके 3 मेथड्स हैं ठीक है। द रेडियो न्यूक्लाइड्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन आर आर्टिफिशियल प्रोड्यूस बाय 3 बेसिक मेथड्स, इरेडिएशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स इन अ रिएक्टर कॉल्ड रिएक्टर प्रोड्यूस्ड, ये आप लोगों ने FSC में चीजें पढ़ी नहीं है ठीक है। रिएक्टर प्रोड्यूस्ड ठीक है, इरेडिएशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इन एन एक्सीलेटर और साइक्लोट्रॉन ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर से क्या नाम है चार्ज पार्टिकल्स को बम्बारमेंट करवाई जाती है किसी एक स्पेसिफाइड एलिमेंट के ऊपर ठीक है। और फिशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस ठीक है, बड़े न्यूक्लियस जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम है उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवा के उसको तोड़ा जाता है छोटे एलिमेंट्स के अंदर ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या नाम है प्रोडक्शन करते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। इज इट क्लियर? यस सर। सर साइक्लोट्रॉन का बता दें। भाजी साइक्लोट्रॉन जो है ना, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा क्या नाम है सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके स्टेबल न्यूक्लियाइड्स के ऊपर ठीक है चार्ज पार्टिकल्स की बम्बारमेंट होती है। चार्ज पार्टिकल्स में आपका क्या नाम है हीलियम न्यूक्लियस आ सकता है, आपका न्यूट्रॉन आ सकता है, आपका क्या नाम है न्यूट्रॉन आ सकता है ठीक है।
तो चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बमेंट करवाई जाती है एक स्टेबल न्यूक्लियाइड के ऊपर, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाइड में कौन कौन सा आ सकता है, जैसे क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है। इस तरह के जो स्टेबल यानी कि होते हैं जो रेडियोएक्टिव नहीं होते, उनको बॉम्बमेंट करवा के उनके आइसोटॉप्स क्रिएट करवाए जाते हैं जो कि रेडियोएक्टिव होते हैं, ठीक है जी सर। और एक बात आगे हमने पढ़ना है कि क्या नाम है, ये प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोड्यूस, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस। इसके बैक एंड पे नहीं जाना कि किस तरह का सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या फिजिक्स चलती है, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न यहाँ पे क्या है कि हमें रेडियो न्यूक्लियर चाहिए, हमें उसकी फिजिक्स कंसर्न नहीं है, ठीक है, कि किस तरह प्रोड्यूस हुआ, क्या चीज़ डाली गई, क्या निकाला गया, उसको किस तरह प्योरीफाई किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह डीप जाओगे फिजिक्स वाली साइड पे तो आप फिर क्लिनिकल की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। यू कैन चूज वन थिंग, ठीक है, क्योंकि हर सवाल की जितना डेप्थ में जाते जाओगे आप उतना ही स्टक होते जाओगे। सिंपल कोई भी चीज़ देख लो, लाइक अगर सिंपली यार एक सिंपल सवाल है भाई, दुनिया क्यों बनी, इसकी डेप्थ में जाओ जी। एक वो जैसे ये बिग बैंग थ्योरी की बात है, ठीक है, बिग बैंग क्यों हुआ जी, अच्छा जी उसके पीछे ये रीज़न थी, अच्छा उसके पीछे क्या रीज़न थी। अगर आप रीजन के बैक पे रीजन पे जाते जाएंगे ना तो आप फंसते जाएंगे, ठीक है, एट द एंड आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहाँ स्टे करना है, जो हमारी कंसर्न लिमिट है, ओके, ठीक है जी सर। यस सर। अच्छा जी, इट कैन बी सीन, हाँ, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन्स जो होते हैं क्या, वो एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बम्बामेंट करवाई जाती है स्टेबल पार्टिकल्स के ऊपर। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स आर दोन न्यूट्रॉन्स हुज काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल, ठीक है। वो ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, और जिस भी एलिमेंट के ऊपर उनको बम्बार्ड करवाया जाता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर टूट जाते कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और एलिमेंट के अंदर। एट दीज एनर्जीज न्यूट्रॉन्स कैन बी इजिली कैप्चर्ड बाय स्टेबल न्यूक्लियाइड्स बिकॉज न्यूट्रॉन्स दैट आर न्यूट्रल पार्टिकल्स डू नॉट एक्सपीरियंस द रिपल्सिव कूलम्ब फोर्सेस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनकी एनर्जी भी कम होती है, तो वो ईजिली क्या नाम है एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। उसका रिएक्शन उन्होंने नीचे दिखाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ए उसका एटोमिक मास, बी एटोमिक नंबर, एक न्यूट्रॉन एड हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, उसका एटॉमिक मास चेंज हो गया और एक गामा रे एमिट हो गई। इस रिएक्शन की समझ आई है जी सर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, एलिमेंट न्यूट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, एलिमेंट चेंज हो गया, उसका एटॉमिक मास वन डिजिट बढ़ गया और ये जो गामा रे एमिट हुई है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ी हुई है चीज, अगर याद हो तो, ठीक है। एक इक्वेशन की फुल फॉर्म होती है और एक उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इट कैन बी सीन दैट इन द अबव न्यूक्लियर रिएक्शन द एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग रेडियो न्यूक्लियस डज नॉट चेंज, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर जो जी था, प्रोटॉन नंबर, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। Only the mass number A increases by one, ठीक है, उसका mass number बढ़ गया, because in this reaction a neutron is being added, the resulting nucleide if radioactive quite often decays through beta negative emission, ठीक है। वो कहता है कि क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड किया गया है, ठीक है, तो जो क्या नाम है प्रोबेबिलिटी है कि जो भी नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा अगर वो रेडियो एक्टिव होगा तो वो बीटा नेगेटिव एमिशन के थ्रू डिके करेगा, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स की, कौन कौन सी है, सम ऑफ द रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स एंड द रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग देम यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन आर क्रोमियम 50x24 होता है, उसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई, उससे क्रोमियम रेडियो एक्टिव बना, ठीक है, जिसका क्या मास नंबर हो गया 51 और साथ ही गामा रे एमिट हुई, ठीक है। गामा रे एमिट होने का क्या मतलब है कि रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है।
क्रोमियम 51 इज यूज्ड फॉर लेबलिंग रेड ब्लड सेल्स एंड स्प्लीन स्कैनिंग, ठीक है. उसके बाद मॉलिब्डेनम इज द सोर्स ऑफ टेक्नीशियम 99. जितने भी आजकल हम क्या नाम है स्कैंस के अंदर जो टेक्नीशियन यूज करते हैं वो मॉलिब्डेनम से मॉलिब्डेनम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बिंग करवा के टेक्नीशियम जो प्रोड्यूस करवाया था उसके थ्रू होता है, ठीक है, विच इज मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन. अब मॉलिब्डेनम जो है वो 68 आवर्स के अंदर टेक्नीशियम के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मॉलिब्डेनम प्रोड्यूस करवाया जाता है, मॉलिब्डेनम स्टेबल के ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग करवा के, ठीक है, उसको अनस्टेबल फॉर्म जो मॉलिब्डेनम 99 है उसके अंदर लाया जाता है, ठीक है. फिर वो 68 आवर्स के अंदर जब डिके करता है ठीक है, सबसे पहले क्या होगा मॉलिब्डेनम स्टेबल, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बवामेंट करवाई, ठीक है, न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया, गामा रे एमिट हुई, ठीक है, और वो अनस्टेबल फॉर्म में आ गया. अब ये जो मॉलिब्डेनम अनस्टेबल है ये 68 आवर्स में गामा रेस एमिट करके डिके कर जाएगा टेक्नीशियम 99 एम के अंदर, टेक्नीशियम मेटास्टेबल के अंदर, और वो टेक्नीशियम फिर 6 आवर्स के अंदर डिके करके स्टेबल टेक्नीशियम की शक्ल इख्तियार कर लेगा. ये फिनोमेना चलता है आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर. इज इट क्लियर? सिमिलरली जीनॉन के लिए, जीनॉन अब तो नहीं यूज होता, ठीक है, बहुत कम कहीं शाजो नादिर यूज होता हो, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है. ये लंग की वेंटिलेशन स्टडीज के लिए यूज किया जाता था. ये आगे उन्होंने एक आपको दिखाई दिया है पिक्चर, ठीक है, कि यूरेनियम की फिशन से अगर हम मॉलिब्डेनम प्रोड्यूस करें तो उसके पास हमने न्यूट्रॉन की बवामेंट करवाई, ठीक है, उससे मॉलिब्डेनम मिला हमें और साथ हमें 10 मिल गया, ठीक है, और साथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन कैप्चर जो मैंने ऊपर बताया आपको, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जिसकी बवामेंट करवाई गई वो मॉलिब्डेनम ने अब्सॉर्ब किया और एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है. उसके बाद क्या नाम है, ये जो साइक्लोट्रॉन वाला है हमने उसके ऊपर एक फोटोन की बवामेंट करवाई, ठीक है, क्या हुआ मॉलिब्डेनम यूनिट था, ठीक है, उसके अंदर से एक आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रिमूव हुआ और मॉलिब्डेनम 99 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. सिमिलरली फोटो एमिशन, ठीक है, फोटोन की बवामेंट करवा के न्यूट्रॉन की जगह पे हमने यूरेनियम को तोड़ा और वो मॉलिब्डेनम और टिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. ये आपका था रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लियोइड्स. आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. बट ये पढ़ के आना, जिसने ना पढ़ा हुआ एब्सेंट लगेगी प्रॉपर. समझ आ गई है? यस सर. अगर नहीं आई तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये बात. मलीहा मरियम, अल्लाह नवाज, नादिर जी सर, जितने भी वहां है जिनसे मैंने पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला, अगर मुझे दोबारा जवाब ना मिला तो मैं बड़ा बुरा पेश आऊंगा, बता रहा हूँ. समझ आ रही है? Yes, sir. बुकारी ने सर क्लास में वलीद मलिक, उमेमन, उमर अहमद, यस सर, तैमूर मुजाहिद, सुमैया सादिया, सुंबल, सुमैया प्रेजेंट है? यस सर. सुंबल प्रेजेंट सर. सीमा भट्ट प्रेजेंट सर. टोवाल प्रेजेंट सर. सहर प्रेजेंट सर. सिमाब प्रेजेंट. सारा प्रेजेंट सर. सना खालिद, सना हबीब प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. सफा नूर प्रेजेंट सर. सादिका सबा रहमा. यस सर. सबा रहमा. रगीसा रगीसा. राबिया इरफान प्रेजेंट सर. नुदरत प्रेजेंट सर. निमरा प्रेजेंट सर. मुशाहिद वसीम
प्रेजेंट सर उस्मान प्रेजेंट सर काशिफ यस सर अरसलान हामिद प्रेजेंट सर आमिर ताहिर आमिर ताहिर अमन लियाकत प्रेजेंट सर अब्दुल्ला प्रेजेंट सर मुआज प्रेजेंट सर मैमूना रहमान प्रेजेंट सर मैमूना तारिक प्रेजेंट सर मलाइका नदीम मलाइका अपने नेट का इशू ठीक कर लेना अगर क्वेश्चन के दौरान ये नेट का इशू आया प्रेजेंट तो नंबर कट जाएंगे मैं पहले बता रहा हूँ ये नेट का इशू रिजॉल्व कर लें पिछला पूरा सेमेस्टर इसी तरह गुजर गया था ये वाला सेमेस्टर इस तरह नहीं गुजरेगा माहम जाहिद प्रेजेंट सर महादील प्रेजेंट सर खदीजा प्रेजेंट सर किरण किरण लिंता प्रेजेंट सर कशफ प्रेजेंट सर इरम हाफिज सलमान इकराम प्रेजेंट सर इकराम सर ओके सर गानिया फरा प्रेजेंट सर फाखरा प्रेजेंट सर दाऊद प्रेजेंट सर आयशा नासिर प्रेजेंट सर आयशा सिंपल प्रेजेंट सर अथर इकबाल अरीबा नासिर प्रेजेंट सर अक्सा अजहर प्रेजेंट सर आमसा आमसा अमानिया 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 एमन हबीब प्रेजेंट सर आलिया शहबाज प्रेजेंट सर आलिया एहसान प्रेजेंट सर अबीहा जैनब प्रेजेंट सर अफजाल प्रेजेंट सर एमन अच्छा जी किसी का भी क्वेश्चन हो तो मेल पे पूछ लेना और सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई नहीं लगी जिसका नाम ही ना बोला उसकी अटेंडेंस लग गई हुई है सर मेरी नहीं लगी एब्सेंट ही हमेशा लगती है आप नाम ही नहीं बोल अभी पूरी चार प्रेजेंट लगी हुई है दानिश आपकी सर मेरी नहीं लगी सर पता नहीं फिर मुझे एब्सेंट ही शो हो रही है अब वो फिर आपका अपना जाती मसला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर मेरी कैमरा नहीं हुई लग गई है बेटे आपकी ओके सर दुआ की भी लग गई है दुआ रीकनेक्ट हुआ था मुझे पता है एमन हबीब की भी लग गई है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर